तो देखेंगे मदरसा बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छी एक अपडेट आ गई है कि बिहार सरकार ने मदरसा बोर्ड के लिए 9.98 करोड़ यानी कि इस तरह आप समझिए कि 9 करोड़ रुपए भेज दिया गया है और इनके लिए मंजूरी भी मिल गया। चलेंगे जानकारी के हिसाब से हम बताने की कोशिश करेंगे ये रुपए किन के लिए है और किन किन को मिलने के लिए जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए, हेडलाइन है मदारिस के साइंस टीचर्स के लिए 9.98 करोड़ रुपये मंजूर। उसके बाद है इमाम बांदी बेगम वक्त की ज़मीन पर बनेगी 5G इमारत, 32 एजेंडों पर लगी मोहर। चलिए आगे हम बताने की कोशिश करें आपको, इसमें साफ साफ कहा गया है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में 32 एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें से कहा गया है कि हुकूमत ने मरकज़ी हिस्से की उम्मीद में रियासती हुकूमत से रियासत के गैर सरकारी मंजूर शुदा ग्रांट हासिल करने वाले मदरसों में मामूर और काम कर रहे इंटर सतही साइंस टीचरों के उजरत और बकाया जात की अदायगी के लिए साइंस टीचरों के लिए 9.98 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। उसके बाद देखें कैबिनेट की मीटिंग के बाद फैसले जानकारी देते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योम असातिज़ा के मौके पर रियासती हुकूमत के ज़रिए सबसे पहले महकमे तालीम के तहत 9.98 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात है कि जितने भी साइंस टीचर के रुपयों पर रुकावटें थी, कुछ दिनों से रुपया नहीं मिला करता था या फिर जिनको भी नहीं मिला करता था, उन साइंस टीचरों के लिए काफ़ी अहम खुशखबरी है कि उनके लिए 9.98 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। अब उन साइंस टीचरों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आपके अकाउंट में सीधे पैसे आएंगे। जय नाज़रीन, इसी तरह की वीडियोज़ और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मदरसा बोर्ड की पल पल की खबर आपको यहाँ पर मिलती रहेगी और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि कोई भी अपडेट सबसे पहले वहीं दी जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय।